नाम है इसका माय मैक पिज़्ज़ा जाइंट स्लाइस। अपन निकल रहे हैं अब क्योंकि अपनी नेक्स्ट ट्रिप में राजस्थान की जितनी भी पब्लिक है भाई, बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स बता दो, कमेंट सेक्शन में तुरंत टाइप कर दो। ट्रस्ट मी, ये मंजर देख के खुशी का मेरी बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। मैं गया था लापिनोस, देहरादून में इनका पहला आउटलेट खुल गया है, उनका मॉन्स्टर पिज्ज़ा लेने गया था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। देहरादून में अभी मॉन्स्टर पिज्ज़ा बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है लापिनोस का, शायद बड़ा ओवन चाहिए रहता होगा उसके लिए। मैं स्पेशली पैसिफिक हिल्स गया जो कि मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर पड़ता है। मैं 1 घंटा ड्राइव करके गया, मैंने मॉन्स्टर पिज्ज़ा बोला और उन्होंने बोला ये तो नहीं है। तो भाई लापिनोस का मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल स्लाइस भी आता है जो मैं आज ला रखा हूँ, जाइंट स्लाइस बोलते हैं इसे। फिर आता है इनका रेगुलर, मीडियम, लार्ज, जाइंट एंड देन मॉन्स्टर पिज्ज़ा। मॉन्स्टर नहीं था तो उससे एक लेवल नीचे आ गए अपन, अपन ने ले लिया भाई जाइंट पिज्ज़ा, वो भी दो। तो बस अब ये देखना है कि चॉपिंग बोर्ड में आएगा कैसे, क्योंकि भाई बहुत मैसिव है। अरे भाई साहब इसकी शक्ल आप देख लो, गैज ये तो नहीं आ पाएगा चॉपिंग बोर्ड में, गैज दो तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। इतना बड़ा डब्बा है, नहीं आएगा भाई, दूसरा तो आ ही नहीं पाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस एक जाइंट पिज्जा ने मेरा आधा से ज्यादा चॉपिंग बोर्ड भाई घेर लिया है। तो मैंने क्या करा, हाफ एक पिज्जा का रख दिया और हाफ दूसरे पिज्जा का रख दिया। तो इस साइड है मेरे पास इनका सबसे ज्यादा फेमस 7 चीज पिज्जा, इसमें 7 अलग अलग तरह के चीज होते हैं। इसी के साथ मैंने हाफ रख रखा है इनका पेरी पेरी वेज पिज्जा, और इसमें ऊपर से मेरे को दिख रहा है पनीर, अनियन, कैप्सिकम, रेड पेपरिका, बेल पेपर्स। साथ में है भाई इनका मेरे पास एक जाइंट पिज्जा स्लाइस जिसके लिए ये लोग काफी ज्यादा फेमस है, ये कुछ इस तरह के बॉक्स में देते हैं। साथ में है इनका स्टफ्ड स्वीट कॉर्न गार्लिक ब्रेड, एक टाको कॉर्न एंड अनियन और एक पनीर स्वीट कॉर्न एंड चीज केसडिया। आज अपनी परंपरा में स्प्राइट लाए हैं। भाई फटाफट से कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। स्टफिंग आप देख सकते हो इनकी कैसी है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। आज की वीडियो में एक कंडीशन रखते हैं, अगर मैंने इस पिज्ज़ा का हाफ से ज़्यादा खा लिया प्लस ये साइड्स भी खा ली तो वीडियो को लाइक कर देना। ज्यादा कोई डिमांड नहीं, सिर्फ वीडियो को लाइक करना। देख लो भाई स्टफिंग, मेरे पास अपना मेनू भी है परसों के वीडियो का बचा हुआ। मैं सामान एक एक करके याद आ रहे हैं, पता है भाई। देखो टेस्ट तो है, बहुत लोग मुझे बोलते थे लापिनोस ट्राई करो, बट देहरादून में था नहीं। और फाइनली
दर्दों में लापिनोस आया, आज ही मैंने देखा और तुरंत मकबैंग कर लिया। ऑल्दो आज मेरा मकबैंग का दिन होता नहीं है, बट अपन निकल रहे हैं अब क्योंकि अपनी नेक्स्ट ट्रिप में जा रहे हैं अपन जैसलमेर। जैसलमेर, बीकानेर और अपना जयपुर। मैं पहले जोधपुर सोच रहा था बीकानेर की जगह, बट फिर मेरे को किसी ने बताया कि जोधपुर में इतना कुछ नहीं है जितना बीकानेर में है कवर करने लायक। यह है इनका जाइंट सिंगल स्लाइस, 130 रुपए का पड़ा है मुझे। नाम है इसका माय मैक पिज़्ज़ा जाइंट स्लाइस। वाह, पिज़्ज़ा का क्या होता है ना, बेस ब्रेडी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, समझ लो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, बट भाई ये अभी भी क्रंची है। बाकी ऑनेस्टली बताऊँ अभी मुझे को मैक एंड चीज़ का कोई ऐसा टेस्ट आया नहीं है। मतलब ये जो भी मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, इसका टेस्ट बढ़िया आ रहा है, बट स्पेसिफिकली मैक एंड चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो राजस्थान की जितनी भी पब्लिक है, खासकर जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर की, भाई बड़े बड़े स्पॉट्स बता दो, कमेंट सेक्शन में तुरंत टाइप कर दो। मैसिव स्लाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोगों ने बोला क्यों 7 चीज पिज्जा के लिए। लापिनोस क्लेम करता है कि इसमें 7 तरह की चीज डलता है, बट फिर भी इतने बड़े स्लाइस में 7 तरह की चीज ऊपर से डल रखे हैं, लेकिन स्टिल मुझे इनके सॉस का ज्यादा टेस्ट आ रहा है, बेस में जो सॉस डलता है। ड्रिपिंग ड्राइवर है, मुझे सबसे बड़ी शिकायत क्या रहती है पिज़्ज़ा आउटलेट से कि उनके पिज़्ज़ा में चीज़ से ज़्यादा मेयोनीज़ का फ्लेवर आता है। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
मैं अपने पिज्ज़ा के साथ कभी भी ऐसे करता नहीं हूँ, बट ये वाला इतना कुछ खास नहीं हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। यार ये सॉस 100% वीगन है, बट स्टिल टेस्ट ऐसा करना है ना, मतलब परफेक्टली रोस्टेड किसी नॉन वेज आइटम से जो अरोमा आता है, स्मेल बोल लो अरोमा बोल लो, इसकी खुशबू में वो स्मेल आ गया भाई। और स्लाइट आफ्टर टेस्ट भी वैसा है। मेरी बात मानो तो ये 7 चीज़ पिज़्ज़ा तो मत लेना, जब आपको चीज़ का ही टेस्ट नहीं आएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है 7 चीज़ पिज़्ज़ा लेने का। एक ना वो रिजेम्बलेंस होनी चाहिए कि आप चीज़ वाला पिज़्ज़ा खा रहे हो तो चीज़ का प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि भाई इसमें चीज़ कौन सा है। और यहाँ देखो डोमिनोज का मैसेज, बट अगेन एटलीस्ट उस मेयोनीज का टेस्ट नहीं आ रहा है। और बेस वो जो सिंगल जाइंट स्लाइस है ना उसी का तड़ावा। जितने भी लोग कमेंट कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं या करा ही नहीं या फिर करने की सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रा टाइप करना कि आप इसके कितने स्लाइस खा सकते हो, क्योंकि भाई इनका पिनोस का अपना ऑफिशियल एक चैलेंज भी होता है इनके पिज़्ज़ा स्लाइसेस का। तो आप वो भी कर सकते हो। मेरी हालत आजकल बहुत अजीबोगरीब हो रही है क्योंकि मैं वैक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ। काश मैं ऐसा बोल पाता कि ये दोनों पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अब देखो मैं हूँ फूडी तो मुझे तो कैसा भी खिला दो मैं बड़े चाव से खाऊंगा, अनलेस एंड अंटिल कुछ सड़ा हुआ ही है तो नहीं कर पाऊंगा एंजॉय, अदरवाइज मैं सब खा लेता हूँ बढ़िया मजे में। बट यार इनके पिज्ज़ा ना वैसे नहीं हो रहे हैं कि आप किसी कैफ़े में बैठे हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैफ़े में बैठे हो, डेट पे गए हो और आपने सामने पिज्ज़ा रख रखा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो बढ़िया और हर 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में एक एक बाइट मार लो। और ये इमेजिन करने की कोशिश करना जब कभी भी आप ऐसे माहौल में रहते हो ना और अगर पिज़्ज़ा टेस्टी हो रहा हो तो बाइट लेने के जस्ट बाद ना आफ्टर टेस्ट आता है और बैक ऑफ द टंग में उसका हल्का हल्का सा स्लाइट टेस्ट आता रहता है आपको। पता नहीं किसी ने ये चीज़ कभी नोटिस करी है, नहीं करी है, नहीं करी तो अगली बार से ऐसा करना। कुछ भी टेस्टी खाओगे ना जीभ के पीछे वाले पार्ट में सलाइवा इकट्ठा होता है और वो टेस्ट ना आपको हिट कर रहा होता है कि भाई एक बाइट खा, एक बाइट खा। इसमें वो किक नहीं है। तो ये मैसिव मैसिव पिज़्ज़ा से बेटर है अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप लेना सिंगल स्लाइस, जाइंट स्लाइस नाम से आता है वो खाना यार। या तो उसमें देखो ज़्यादा वो टाइम लगाते हैं पकाने में या जो भी सीन है बढ़िया। देखो वही हो रहा था, पता नहीं कैसे होगा ये, बट अब तो कर दिया है। बट स्टिल अगर आप मंगाते हो जाइंट पिज़्ज़ा तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, 3 से 4 जनों का पेट फुल हो जाएगा। अभी 12 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है ना, तब मंगाना। हाफ से ज़्यादा पिज़्ज़ा तो मैं खा चुका हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वैसे तो सुपर लाइक करना बनता है क्योंकि ये पिज़्ज़ा खाने लायक नहीं था, 7 चीज़ बट स्टिल खा लिया।
देखो इसका टेस्ट बुरा नहीं हो रहा था, बट एक पिज़्ज़ा से आप जो टेस्ट एक्सपेक्ट करते हो इसका टेस्ट वैसा नहीं था। अगर हम पिज़्ज़ा की कैटेगरी में इसको जज कर रहे हैं तो भाई एज अ पिज़्ज़ा दिस वॉजेंट अ गुड पिज़्ज़ा। इट्स ओपन नहीं हो पाया मेरे से पिज़्ज़ा का। धीत होती है ना धीत, किसी चीज़ को खाने की धीत, ख़त्म हो गई मेरी पिज़्ज़ा को खाने की धीत, डेड। वो जो दूसरा एक पिज़्ज़ा है वो कल मम्मी को स्कूल के लिए दे दिया जाएगा, स्कूल में बच्चों को खिलाओ। साइड्स में इनका तीनों साइड्स में से मुझे टाको बेस्ट लगा। ट्रस्ट मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये हैंड जेस्चर्स मैंने क्यों करे थे, सीरियसली कोई आइडिया नहीं है मुझे। एडिटिंग के टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। देहरादून के लापिनोज़ के आउटलेट में एक अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि मैक्सिमम इनका जो स्टाफ था वो लड़कियां थी। स्वाद आ गया, इस लेंडी पिज़्ज़ा में कहीं स्वाद मेरा खो गया था, वापस ले आया। तुम्हें क्या लगा मैं खा रहा हूँ? भाई भाई ढंग का होता मैं सही में निपटा देता हूँ। बात है ज़बरदस्ती पेट भरने की, जब पसंद नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती पेट भर के कुछ फ़ायदा नहीं है, समझ रहा। दूसरी बात ये, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है फ्राइडे को मैं पहुँच जाऊँगा जैसलमेर। अब आइटनरी कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देख लेना। व्लॉग्स का भी मैं बताना भूल गया, तो ये जो भी मेरे नॉर्मल दिन है इनमें मैं कोई व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ। व्लॉग्स आएंगे जब जब मैं ट्रैवल करूँगा, ताकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया दिखा पाऊँ। तो अब जैसे अपन जा रहे हैं राजस्थान, फुल्ली अनस्क्रिप्टेड अनप्लान्ड, और मेरा नेक्स्ट मकबैंग भी आप लोगों को राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। आई जस्ट होप कि जितना प्यार आप लोगों ने ये पंजाब वाली मेरी सीरीज़ को दिया है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार आप इस राजस्थान वाली सीरीज़ को दो। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया, वो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।